हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एबीएस ऑनलाइन स्टडी में स्वागत है। देखिए, हम लोग शार्ट नोट्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट शार्ट नोट्स की चर्चा कर रहे थे। इस शार्ट नोट्स में अमीनो एसिड, इसकी बात हम लोग करेंगे। अमीनो एसिड एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं जिसकी सहायता से हम लोग जो है प्रोटीन बनाते हैं। मतलब अमीनो एसिड का जब हम लोग संघनन बहुलकीकरण कॉन्डेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है। रही बात अमीनो एसिड्स की, तो अमीनो एसिड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा जो है प्राइमरी एमीन। अब इसमें देखिए, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ COOH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ प्राइमरी एमीन है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप, माने COOH जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं और NH2 जिसको हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। ये अमीनो एसिड है। और जब हम लोग अमीनो एसिड्स के कई मोल का संघनन बहुलकीकरण कराते हैं, यहां NH2 को ऐसे लिख दें, NH2 COOH, ये OH और ये H मिलेगा, H2O के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक उसी तरह से इसका भी H बाहर निकलेगा और इसका भी OH बाहर निकलेगा। तो बाय द लॉस ऑफ N मोल्स ऑफ वाटर एक कंपाउंड बना, यहां CONH देख रहे हैं, CONH यहां रहेगा, CR यहां R, CONH CR R CONH, एक इस तरह का कंपाउंड बना जिसको हम लोग प्रोटीन बोलते हैं। और इस प्रोटीन के मॉलिक्यूल में ये जो CONH आ रहा है, इसको हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो अब इसमें, इस टॉपिक में पहले अमीनो एसिड आया, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें दो क्रियात्मक समूह, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा प्राथमिक एमीन समूह उपस्थित होता है, उसे हम लोग अमीनो एसिड बोलते हैं। दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड है। पेप्टाइड बॉन्ड एक प्रकार का ऐसा जो है क्रियात्मक समूह होता है जो कार्बोक्सिलिक एसिड और प्राथमिक एमीन के परस्पर संघनन के बाद, प्राप्त होते हैं। इसमें जब कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH समूह और प्राथमिक एमीन का NH2 समूह आपस में क्रिया करके H2O का त्याग करते हैं, तब एक CONH क्रियात्मक समूह का निर्माण होता है जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। प्रोटीन के लिए जब अमीनो एसिड के कई मोल का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तब एक कार्बनिक यौगिक बनते हैं जिसमें CONH पेप्टाइड बॉन्ड उपस्थित होता है। यह कार्बनिक यौगिक, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोटीन कहलाते हैं। अब देखिए, ज्विटर आयन की बात हम लोग करें। ज्विटर आयन क्या होते हैं? अभी हम लोग देखें कि अमीनो एसिड में COOH और NH2 समूह उपस्थित होते हैं। इस COOH और NH2 समूह की उपस्थिति के कारण जो है इसके अंदर दोनों गुण उपस्थित होता है। कहने का मतलब ये है कि जब अमीनो एसिड को जल में घोला जाता है तो अमीनो एसिड में उपस्थित कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन ये लाश करते हैं, और ये लाश करेंगे हाइड्रोजन, और NH2 समूह इस हाइड्रोजन को जो है एक्सेप्ट करता है, जिसके कारण जो है COO के ऊपर माइनस चार्ज और NH2 के ऊपर प्लस चार्ज आरोपित हो जाता है। अर्थात ये द्विध्रुवीय आयन का निर्माण कर लेते हैं जिसको हम लोग ज्विटर आयन कहते हैं।